برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند کر سلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت أفعال أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاهره ومسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم صلوات अज़ान ग्रामी सूरह बकरा की इस आयत का इंतखाब किया गया सशरे के लिए कि ऐ ईमान वालों तुम पे रोज़ों को फ़र्ज कर दिया गया है कुतुब अलैकुम सियाम रोज़े लिख दिए गए हैं कमा कुतुब अला लदीन मिन क़ब्लिकुम जिस तरह से तुमसे गुज़श्ता उम्मतों पे रोज़े लिखे गए थे। जब आप मरीज हो जाते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन के लिए नुस्खे के लिए तिब्बी नुस्खे के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है वो आपके लिए तिब्बी नुस्खा लिख देता है आपके मर्ज के हिसाब से। तो अज़ान गिरामी अल्लाह सुभान व तआला ने भी एक तिब्बी नुस्खा लिख के दिया है रूह के इलाज के लिए। और रूह का इलाज रोजे से किया जाता और ये जो अल्लाह ने बेहतरीन इलाज लिखा कुतुबा अलैकुम सियाम तो अल्लाह कह रहा है ये पूरे साल जो गुनाह किए हैं इन गुनाहों को धोने के लिए रोजे की जरूरत है। और बड़े बड़े अतिबा बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाइए तो वो कहते हैं कि इससे बड़ा कोई नुस्खा हो ही नहीं सकता, सिर्फ रूह का इलाज नहीं है इसमें जिस्म का भी इलाज है। आप जानते हैं मैं लंदन में रहता हूँ, मैंने खुद बरतानिया के एक रेडियो प्रोग्राम पे गैर मुस्लिमों से ये जुमला सुना है कि आज मेडिकल डॉक्टर्स ने साबित कर दिया है कि रोजा रखने से दिल का आरजा उसका इलाज होता है और दिल के मरीजों का सबसे बड़ा मुआलजा ही रोजा रखना। रोजा बेहतरीन इलाज है। तो बहुत से तो बहुत ज्यादा मरीज हो जाते नहीं रख पाते लेकिन अल्लाह ने कहा इन कुंतुम अला सफरिन फायदा तुम्हें अय्यामिन उखर यानी इन कुंतुम मरीदन अला सफरिन, अगर मरीज हो या सफर में हो तो किसी और दिन रोजा रख सकते हो। अल्लाह तुम्हारे लिए सहूलत चाहता है सख्ती नहीं चाहता। वो अल्लाह जो कह रहा कि मैंने सहूलत की खातिर रोजा भेजा, तवज्जो हो सहूलत की खातिर रोजा भेजा, सहूलत की खातिर परेशानियों में मुब्तला करने के लिए रोजा नहीं आया, सहूलत की खातिर रोजा आया।
ये रोजा इंसान को अल्लाह से करीब करता है। हदीस कुदसी के अल्फाज है, जब हदीस यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए हैं तो हदीस मेराज बहुत मशहूर है, बहुत मुफस्सल है, अलबत्ता वक्त नहीं कि मैं तफसील से बयान कर सकूं। तो उस हदीस मेराज के अंदर जहां खालिक और हबीब खुदा में एक कलाम हुआ है तो उसको कुछ पैगंबर ने बयान किया है, उसे हदीस मेराज कहा जाता है। उस हदीस मेराज में अल्फाज है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हबीब खुदा से कहता है, मेरे हबीब क्या आप जानते हैं मेरा बंदा किस हालत में मुझसे सबसे ज्यादा करीब होता है। अच्छा, कमाल ये है, अजमत ये है कि इंसान अगर जानता भी हो ना तो अगर किसी बाअजमत से मुखातब हो तो कहता है कि इंसान उससे ये कहता है कि नहीं आप बेहतर जानते। तो अब यहां हबीब खुदा ने जनाबे सरवर कायनात ने अल्लाह से जवाब में कहा कि परवरदिगारा तू बेहतर जानता है तेरे से तेरा बंदा किस हालत में ज्यादा करीब होता। अब यहां पे अल्लाह सुब्हानहु तआला ने जवाब दिया, कहा कि मत यकूनो जायन और साजद, जब भी मेरा बंदा भूखा होता है या सजदे में होता तो मुझसे सबसे ज्यादा करीब होता। अगर पहुंच रहे हो, जब भी मेरा बंदा भूखा होता है या सजदे में होता है, ये दो हालतें मेरे बंदे को मुझसे सबसे ज्यादा करीब कर देती है। तवज्जो हो, एक जुमला कह रहा हूं, मसाइब का नहीं है, फजाइल का। मसाइब में से भी फजाइल के नुक्तों निकालना आसान नहीं है। मेरी कोशिश होती है अहले बैत के उन मसाइब में से वो फजाइल पेश करूं जो कोई ना पेश कर सके, और ये मैंने खुद आइम्मा की जरीबे मांगा है उनकी अता। तो बंदा अपने रब से दो हालतों में सबसे ज्यादा करीब होता, दो हालतों में सबसे ज्यादा करीब होता, जब भूखा हो और जब सजदे में हो। अब समझ में आ रहा है असरे आशूर का सजदा। हुसैन इब्ने अली का वो मकाम क्यों है जो अंबिया का नहीं है? क्यों हुसैन इब्ने अली का वो मकाम है जो किसी नबी का नहीं है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लामा तबतबाई ने कहा, साहिब अल मीजान अल्लामा तबतबाई, जिन्होंने 20 जिल्दों में अल मीजान लिखी है, फरमाते हैं कि मैदान करबला में सैयद शहदा को वो मौके मिले हैं जो किसी नबी को किसी इमाम को नहीं मिले। तो मैं कह गया हूं गरा ना गुजरे, मैंने ये नहीं कहा कि जनाब सैयद शहदा जनाब खतीब मतलब से जनाब अमीर से हसन है, लेकिन नहीं, मैदान करबला में जो उन्हें मौके मिले हैं वो किसी नबी और किसी इमाम को नहीं मिले। इसलिए खुद सरवर कायनात ने अमीरुल मोमिनीन ने भी उन मौकों को याद करके हुसैन पे सलाम कहा। कोई एतराज ना करा, जो भी तो खामोश बैठा। सरवर कायनात के अमीर उल मोमिनीन तो क्या, खुद खुदा ने हुसैन का सलाम किया। अल्लाह के सलाम आने से हुसैन अल्लाह से अफजल नहीं हो जाते, लेकिन खालिक भी कहे मेरा सलाम मेरे उस बंदे पे जो हुसैन है। यजीदियों ने सवाल किया कि तुमने हुसैन को सारे दिन की जहमतों के बाद असर में कैसा पाया? यानी वो कहना चाह रहे थे कि आप हुसैन उस वक्त कांप रहे थे, लरस रहे थे, और माजल्ला सफल पानी की भीख मांग रहे थे, या तुमसे कह रहे थे मुझे जाने दो, छोड़ दो, क्या कोई ऐसी हालत थी? इतना बड़ा लश्कर हुसैन के, तुमने 72 के 72 असहाब को, बेटों को, भाइयों को मार दिया, तो क्या कैफियत थी हुसैन की? कमजोर थे? कहा नहीं, जैसे जैसे आशूर का दिन गुजरता जा रहा था हुसैन के चेहरे का जलाल बढ़ता जा रहा था। और यजीदियों ने जब यजीदियों से पूछा तो कहते थे नहीं, हुसैन के चेहरे का जलाल बढ़ता जा रहा था, कहा हुसैन का नूर बढ़ता जा रहा था, कमजोरी नहीं आ रही थी, बल्कि दुश्मन लरस रहे थे, कह रहे ये हुसैन कौन है? तो कहा हुसैन बार बार जब अपना तारुफ करवाते थे कहते थे मैं हैदर कर्रार का बेटा। तो कोई घबराहट नहीं थी, हुसैन के चेहरे पे जलाल हैबत
ऐसी थी कि कोई करीब नहीं जाता था। और उस हालत में जब सजदे में गए तो उस वक्त भी जब उमर साहब ने कहा कोई आगे बढ़ के सब कलम कर लो, तो कहा हर आदमी उस वक्त भी डर रहा था, कोई करीब नहीं जाता था। कहा नहीं, ये शेर है, अभी भी उठे तो शेर है, अजाने की रामी। ये हुसैन इब्ने अली का उस हालत के अंदर सजदा। मैंने कहा ना कि ये भूख और क्या दो हालतें, कि जब भूख और सजदा अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब कर देता। इसीलिए हमारे उलमा कहते हैं रोजे की हालत में तूलानी सजदे किया कीजिए, भूखे भी होंगे सजदा भी होंगे। मुझे नहीं मालूम कि सत्तर मजमा मेरा पहुंचना मेरी बात होगा ऐसा नहीं करामी। तो इंसान रोजे की हालत में तूलानी सजदे करे, खुदा से और ज्यादा करीब होता चला जाता है। ये मैं तुरानी सजदों से मुताल्लिक पेश करना चाहूंगा। एक इससे पहले कि एक वाक्य सुन लीजिए, मुझे इमाम सज्जाद से मुताल्लिक, अगर मैं भूल भी जाऊं तो मुझे इशारा कर दीजिएगा। इससे कि तो साजदीन का सजदा भी आना चाहिए। मैंने जब कह दिया ना तुरानी सजदा अल्लाह से करीब करता है, तो सैयद साजदीन से तुरानी सजदा किसका होगा? मुझे उनका सजदा को पेश करना है। तो जाने के नाम यहां पर सुनिएगा, रिवायत है शहीद नसरैब ने अपनी किताब में लिखी है कि तीन अफराद मदीने से बाहर से मदीने आए खत्मी मर्तबा की ज्यारत के लिए। अब जब पहुंचे तो शाम हो चुकी थी, रात हो गई थी। तो आपस में गुफ्तगु करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अगर हम तीनों पैगंबर इस्लाम के मेहमान बने तो कहीं जहमत का सबब ना बन जाए। बात पहुंच रही है, हम तीनों ही पैगंबर के घर चले जाए तो ऐसा ना हो कि हम जहमत का सबब बन जाए। तो एक ने कहा बात तो तुम सही कह रहे हो, क्या किया जाए? तो उसने कहा मैं रसूल खुदा का मेहमान बन जाता हूँ। दूसरे से कहा तुम अली मुर्तजा के मेहमान बन जाओ। अब जब इन दो हस्तियों का नाम आ गया तो फिर तीसरी हस्ती को छोटी मोटी तो होनी नहीं चाहिए। तो उसने कहा तुम दोनों तो सैयदुल अंबिया और सैयदुल औलिया के मेहमान बनकर मैं कहां जाऊं? तो उसने सोच लिया तुम अल्लाह के घर चले जाओ। साहबी को तो जा नहीं सकते, तुम अल्लाह के घर चले जाओ। ठीक है, अब अगले दिन तीनों के तीनों मुलाकात हुई। जब मिले तो जैसे ही मुलाकात हुई तो कहा क्या हुआ, रसूल खुदा ने तुम्हारे साथ क्या किया? कहा रसूल खुदा ने मुझे रोटी का टुकड़ा दिया, कुछ खजूर दिए खाने के लिए, दूध दिया, बिछोना दिया, मैंने खाना भी खाया, उसके बाद में सो गया। अब जो जनाब अमीर का मेहमान था उसने कहा कि बिल्कुल यही जनाब अमीर ने भी मेरे साथ किया, ऐसी खातिर तवाज़ो की जैसे तुमने बताया, वही रोटी दी, वही खजूर, वही पता नहीं लोग है या नहीं। जनाबे सलमान बाहर निकले खेमे से और गिनने लगे, जब खुरमे गिने तो 9 खुरमे थे। फौरन जनाबे अमीर के पास गए, देखा वो भी खुरमे खा रहे हैं, तो जनाब अमीर से गयाली अदा कीजिए। जनाब अमीर ने बगैर देखे ऐसे हाथ उठाया और जनाब सलमान के हाथ पे खुद में रख दिए। जनाब सलमान गिनने लगे, जब गिन रहे थे ना तो जनाब अमीर ने कहा सलमान अगर पैगंबर ने 9 से ज्यादा दिए होते ना। मैं तो अल्लाह का मेहमान था, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला क्योंकि मस्जिद में था। तवज्जो हो, मैं अल्लाह का मेहमान था, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, मैं भूखा सो गया और फिर पूरी रात मुझे सजदे से नींद भी नहीं आई और सुबह उठा हूं अब तहज्जुद की नमाज पढ़ी, उसके बाद जो है वो फजर पढ़ी। अल्लाह की रहमत को जलाल आया, फौरन वही नाजिल की। शेख सगैब कहते हैं अल्लाह ने फौरन अपने हबीब से कहा, जनाब जिब्राइल से कहा कि जाओ जाके मेरे हबीब से कहो कि मेरे मेहमान ने शिकवा किया, वो फातिमा से सोया था।
ऐ मेरे हबीब मेरे मेहमान से कह दीजिए खाके से अगर कोई बेहतर चीज होती तो मैं वही अदा करता। मेरे हबीब आपके मेहमान ने और अली के मेहमान ने सिर्फ फजर पढ़ी है, मेरे मेहमान ने तहज्जुद भी पढ़ी है। रोजा मुसीबत नहीं है। मैं जो बात पेश कर रहा था जिसकी मैं ये रिवायत पेश की है, मोहब्बत नहीं आप हजरात की जो मोहब्बत से सुन रहा है, मौला का साया आपके सर पे कायम बता रहा है। अल्लाह ने गिरामी ये सारी की सारी बातें जहन में बातें चले जाइएगा आगे। यूरीदुल्लाह बिकुमुल युसर वला यूरीदुबिकुमुल उसर, अल्लाह तुम्हारे लिए सहूलत चाहता है सख्ती नहीं चाहता। कहां पे पेश किया? अल्लाह ने रोजे की आयत के बाद इसको पेश किया। ये रोजा सहूलत के लिए है। अब कोई माँ बाप बच्चे से ना कहे अरे तुम ज्यादा थको कल का रोजा ना रखना। आपसे ज्यादा माँ बाप से ज्यादा चाहने वाला खुदा है, वो सहूलत के लिए रोजा भेज रहा। रूहानी ताकत जो रोजे से आती है वो रोजे के बगैर नहीं आती। इसलिए रोजे से बच्चों को दूर ना कीजिएगा। बच्चे रोजा रखें, जब बहुत ज्यादा छोटा होगा ना रख सकता हो, ये बहुत बुजुर्ग होगा उनके लिए फिदिया है, लेकिन कोशिश करें अगर नहीं रख सकते तो खोल सकता, कोशिश करें। लेकिन कई मरतबा इंसान के जहन पे सवाल होता है हाय मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं। यहां का तो मुझे पता नहीं लेकिन दुबई में कह रहे थे 11 महीने में इतना खाना नहीं बिकता जितना एक महीने में महरमजान है। और मैंने आज तक ये नहीं देखा किसी का महरमजान के बाद वजन कम हो गया। मदद बढ़ ही जाता क्यों इंसान के हारे में ना रोजा रोजा कुछ नहीं होता। खुदा की कसम अगर आप 2-3 दिन कुछ नहीं खाएंगे कुछ भी नहीं होगा। 2006 में मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था तो मैं 1 हफ्ते बगैर खाने के रहा। उसके बाद मुझे एहसास हुआ इंसान मरता नहीं है, पता नहीं लोग है या नहीं। बहुत से अफराद ताज्जुब करते रहे 3 दिन का कैसे फाका हो सकता है करबला में। आम अफराद 1 हफ्ते फाके से रह सकते वो हुसैन इब्ने अली थे। मैदान करबला में आपको जुल्म की इंतहा नजर आती है। मैदान करबला में आपको जुल्म की इंतहा नजर आती है, यानी इससे ज्यादा जुल्म हो नहीं सकता था। ये इंतहा थी जुल्म की। मैदान करबला में आपको जुल्म की इंतहा नजर आती है, सब्र की इंतहा नजर नहीं आती। नहीं पहुंचा सका। जुल्म की इंतहा नजर आती है, यानी इससे ज्यादा जुल्म हो नहीं सकता था, लेकिन इमाम हुसैन के सब्र की इंतहा नजर नहीं आती। यानी अगर जुल्म पड़ता तो हुसैन का सब्र खत्म नहीं हुआ था। हुसैन का सब्र खत्म नहीं हुआ, यजीद का जुल्म खत्म हो गया, हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का सब्र खत्म नहीं हुआ। हुसैन का सब्र खत्म नहीं हुआ। मैं एक और जुमला यहां पे पेश करूंगा। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का सब्र खत्म नहीं हुआ, यजीद का जुल्म खत्म हो गया। मुझे फाके जिम्मेदार एक और जुमला पेश करना है। मैंने परसों के मजलिस में बात कही थी उसकी और वजाहत कर दूं, बहुत से नए चेहरे हैं, थोड़ा सा दोहराऊंगा 2 जुमलों को ताकि मैं वजाहत कर सकूं। ये मैंने कहा था कि मैदान करबला जनाब सैयद शहदा इस ऐसे दर्जे पे ले गए हैं, अहले बैत को नहीं। देखिए अहले बैत तो वो खून है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, वो तो खास ही पैदा हुए हैं। वो जो असहाब आ रहे थे उन्हें सैयदुल शुहदा किसी ऐसे मकाम पे ले गए हैं कि कोई हुर बन जाता, कोई जुहैर कैन बन जाता। ऐजाने के नामी जनाब सैयदुल शुहदा काफिर को मुसलमान बनाते हैं, वहां पे कल भी बना देते हैं। काफिर को मुसलमान बनाते हैं, मुसलमान को मोमिन बनाते हैं, मोमिन को मुत्तकी बनाते हैं, मुत्तकी को यकीन के दर्जे पे ले जाते हैं। यहां तक कि कासिम इब्ने हसन जनाबे इस्माइल के मुकाबले में आए तो वो शहादत में जनाबे इस्माइल सब्र करेंगे, जनाबे कासिम शुक्र करेंगे। शुक्र करते नजर आ रहे हैं।
सजदे शुक्र में जाते हैं, परवरदिगारा तेरा शुक्र है तूने मुझे लायक बनाया, मैं तेरे हुसैन का परवान हूं। ये जनाब का कासिम का जुमला है, ये जुमला तो मैंने फसल से लिया, लेकिन एक जुमला आज कहना चाहता हूँ। मुझे कुछ ऐसा अता करें जो आपने किसी को अता नहीं किया, तो उसके बाद हुसैन ने मुझे वो कुछ मुकाशफात में मसायब अता किए हैं। और वो जब मसायब मैंने भी इमाम रज़ा के जरिए मांगा था कि जब मैं पढ़ू तो लोग महसूस करें मेरे सामने हो रहा है, वो भी जब मसायब पढ़ते थे लगता था कि ये देख के बता रहे। एक जुमला पेश करना चाह रहा हूं उनका, मरहूम शेख हाजरा शेख जाफर शुश्तरी का, सुनेंगे इस जुमले को। मुझे भूख और प्यास सजदे को पेश करना है आज के रोजे की खसूसियात में इब्तदा में पेश कर चुका, जो बाद में आए हैं लोगों के लिए पेश कर दूं। अब ये सुनिएगा जुमला, जनाब सैयद शहदा शब आशूर जुमला कहते हैं, आपने सैकड़ों मरतबा शायद हजारों मरतबा जुमला सुना हो मेंबरों से, बिल्कुल मुस्तरद जुमला। शबे आशूर क्या कहते हैं, जो जाना चाहता है चला जाए, ऐसा है या नहीं? सुना आपने बारहा सुना हो। और मुस्तरद जुमला का जो जाना चाहता है चला जाए, यहां तक के जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से कहते हैं अब्बास चरा कुल कर दो, कोई हया महसूस ना करे, कोई शर्म महसूस ना करे कि अरे मैं सबके सामने उठ के कैसे जाऊंगा, चरा कुल कर दो ताकि कोई जाना चाहे तो चला जाए। फिर फरमाते हैं का अगर तुम में से कोई शर्म महसूस कर रहा है तो मैंने चला कुल कर दिया चले जाओ। फिर कहते हैं मैं वादा करता हूं अगर कोई चला भी गया ना शबे आशूर में, अब यहां तक आपने मेरा साथ दिया, अपने हिसाब से कहते हैं तुम सबने मेरा यहां तक साथ दिया, अब अगर तुम में से कोई चला भी गया तो मैं वादा करता हूं फिर भी शबात करूंगा। हुसैन बहुत करीब है, बहुत अजमत है सैयद शहदा की। क्या फरमाते हैं उस हालत में, कहते हैं कि यहां तक मेरा साथ दिया, अब अगर कोई चला भी जाए ना फिर भी शफाफ कर दूंगा, जो जाना चाहता चला जाए कोई हया ना करे। और मुसल्लम है कोई नहीं गया, हमारे उलमा कहते हैं, शिया उलमा का नजरिया ये है, अहले बैत के मानने वालों का नजरिया ये है कि शबे आशूर में कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़ के नहीं गया, जो जाने वाले थे पहले चले गए, शबे आशूर कोई नहीं गया, आए हैं छोड़ के कोई नहीं गया, पता नहीं मैं पहुंचा पा रहा हूं। अच्छा अब जो बात पेश करने वाली है वो ये नहीं थी, वो अगला जुमला है जिसकी वजह से लगता है माजल्ला मरहूम शेख जाफर शुश्तरी कहते हैं कि माजल्ला तादाद नजर आता, लेकिन तादाद नहीं है। क्या तादाद नजर आता है, क्या कंट्रडिक्शन नजर आता है? शब में कहते हैं जो जाना चाहता चला जाए, असर आशूर में कहते हैं हल में नासिर नहीं पहुंचा सकता, है कोई जो हमारी मदद करना चाहे? मौला अगर आपने असर में बुलाना ही था मदद के लिए तो शब में जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? बात पहुंच रही है, मुझे सारे मतलब की तवज्जो चाहिए, कोई बच्चा भी इस जुमले को जाया ना होने दे, मैं मुझे बहुत सबकी तवज्जो की जरूरत है। शब में फरमाते हैं जो जाना चाहता चला जाए, असर में कहते हैं जो आना चाहता है आ जा, हलमिन नासिर, और ये एक नहीं दफा कहा कई मरतबा कहा हलमिन नासिर के सुनो ना, किसी का इख्तलाफ नहीं, हत्ता अहले सुन्नत के तमाम उलमा ने लिखा, इमाम हुसैन ने कहा जो आना चाहता आ जाए, हलमिन नासिर ये सुनो ना, जो भी हमारी मदद करना चाहता आ जाए, हलमिन नाबिन ये दुकान हरम रसूलल्लाह, जो भी सगी जानियों का पता बचाना चाहता नबी जानियों का पता बचाना चाहता आ जाए, जो आना चाहता आ जाए। मौला अगर आपने असर में बुलाना था तो शब में क्यों कहा जो जानना चाहता है चला जाए, जब आपने बुलाना ही था तो क्यों कहा कि शब में चले जाए, और दिन में कह रहे आ जाओ सारे मतलब की तवज्जो। शेख जाफर शुश्तरी ने कंक्लूजन दिया उसमें थोड़ा सा एक नतीजे के अंदर मैंने भी इजाफा किया, अब मतलब की तवज्जो हो, शब में अपनों से कह रहे थे, बहुत से पहुंच गए, बहुत से नहीं पहुंचे, सारे मतलब की तवज्जो, ये चंद अफराद पहुंच गए मेरे लिए काफी नहीं है, शब में अपनों से कह रहे थे जो जाना चाहता है चला जा, असर में दुश्मनों से कह रहे थे जो आना चाहता है आ जा, अभी भी सब नहीं पहुंचे, अभी भी नहीं, सारे मन में की तरह शब में अपनों से कह रहे थे जो जाना चाहता है चला जा और कोई नहीं गया,
असर ने दुश्मनों से कह रहे थे जो आना चाहता आ जाए, कोई नहीं आ रहा। फरमा ये रहे थे जो मेरे साथ होगा कयामत तक उस पे खुदा अंबिया आइम्मा फरिश्ते मोमिनीन मुत्तकीन सालिहीन सिद्दीकीन सलाम भेजते रहेंगे। शब में अपनों से कह रहे थे जो जाना चाहता है चला जाए और कोई नहीं गया, क्यों? तवज्जो हो। अब यहां शेख जाफर शुस्ती का जुमला कि जनाबे शेख जाफर शुस्ती मरहूम कहते थे कि जनाबे सैयद शहदा जानते हैं अंबिया ने अल्लाह से लेके तमाम के तमाम मुमिनीन ने मुत्तकीन ने सालिहीन ने सलाम भेजना उन पे जो मेरे साथ है, ऐसा ना हो ये अल्लाह के सलाम लायक ना हो। तवज्जो, ऐसा ना हो इनमें कोई एक ऐसा रह जा जो सारे अंबिया सारे आइम्मा अरे छठे इमाम जाके कहे बे अभी अंतुम वा उम्मी मेरे बाबा तुम पे कुर्बान, ऐसा ना हो इनमें कोई ऐसा रह जाए जो उस सलाम लायक ना हो उसे उठा दूं। लेकिन कोई उठ के नहीं गया, इसका मतलब है सब सलाम लायक है। अगले जुमला पे दुश्मनों से कहा से कोई आना चाहता है तो आ जाओ, क्योंकि माला जानती है कयामत तक अल्लाह सारे मलाइका आइम्मा फरिश्ते मोमिनी सालिहीन मुत्तकीन सिद्दीकीन मेरे सारे कातिलों पे लानत दे रहे हैं। कातिलों पे लाना, जुमले क्या है छठे इमाम अलैहि सलाम के, फरमाते हैं कि हुसैन आपके कातिलों पे लाना और आप पे जुल्म करने वालों पे लाना जिन्होंने आपके खिलाफ जिहाद किया वो ये जिहाद समझ के आए। हुसैन इब्न अली के खिलाफ जिहाद कह रहे हैं, आज दहशतगर्द की जो दुनिया भर के अंदर जंग करे मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर ये जिहाद के नाम पे फसाद करे तो समझ जाए यजीदी है। तारीख में कोई ऐसा ग्रोह नहीं है जिन्होंने ये ऐलान किया हो कि हम राजी हैं, कोई ऐसा करो नहीं है। तो ये छठे इमाम ने किस पे लानत भेजी है? तो छठे इमाम ये फरमा रहे वो जो तमाम खामोश बैठे थे ना कि हम किसी की तरफ नहीं है, उन पे लाना। इमामत के मामले में इमामत के मामले में कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता। न्यूट्रल यानी बेतरफ, मैं किसी की तरफ नहीं,
या इमाम की तरफ हो या नहीं हो, पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। इमामत के मामले में या आप इमाम की तरफ हैं या नहीं है। मौला से किसी ने कहा कि मौला आपने नाम भी लिया, मैं नाम नहीं लेता हूं, तो मौला से किसी ने कहा कि मौला जनाब अमीरुल मोमिनीन से कहा मौला फला आदमी पे आपने लानत कर दी है, वो तो कह रहा मैं बेतरफ हूं शाम वाले की तरफ ना आपकी तरफ। मौला ने कहा मुझे शाम वाले का पता नहीं। जब उसने कहा ना कि मैं दोनों तरफ नहीं हूं तो मुझे ये पता मेरी तरफ नहीं है। इमामत के मामले में कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता, कोई ये नहीं कह सकता मैं बेतरफ या इमाम की तरफ है या नहीं है। फैसला ये करना, अब समझ में आ रहा है ये हमारे यहाँ जमल सफीन हरवान ज्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता हूँ। जो पहुंच गए पहुंच गए, जो नहीं पहुंचे और जो नहीं पहुंचना चाह रहे हो अल्लाह पहुंचा। मारफत जरूरी, एक मतलब बस सलाम बाकी थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो लोगों के लिए जगह बन जाए। सामने अभी भूख और सजने से मुताबिक कहा कि रोजे की ये दो हालतें हैं कि इंसान में बसीरत दे देती है कि इंसान जो सजदा ज्यादा करेगा तो यानी भूख इंसान को हकीम बनाती है, हिकमत अता करती है। जो ज्यादा फाके से रहता ना वो जबान से जब अता करता जो कुछ भी कहता है वो हिकमत होती है। और जनाब अमीर से ज्यादा तुलानी फाका कोई नहीं कर सकता, ये बहुत बहुत तुलानी फाका है आपके जहनों में है। मैंने कहा था हमारे सैयद सज्जाद से मुताल्लिक दो जुमले पेश करना चाहूंगा। रोजे की कई चीजें इससे हासिल होती है, तकवा हासिल होता है, हिकमत हासिल होती है, इंसान को कुर्ब इलाही हासिल होता है, और तुलानी सजदे से इंसान को जो तकर्रुब मिलता है वो किसी शय से नहीं मिलता। हमें यहाँ पे एक वाक्य पेश करना चाहता हूँ। इमाम ज़ैन अल इमाम के सजदे तुलानी मशहूर है, यहाँ तक उलमा कहते हैं कि अगर पुराने जमाने में घड़ियां नहीं थी तो अगर उसको घंटों के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए आज के जमाने में कि इमाम कब शुरू करते थे कब सजदा खत्म होता था तो कई घंटों का सजदा बनता है। एक एक सजदा तीन तीन चार चार घंटे का बन जाता है। इसीलिए सैयद साजिदीन मैं आपसे नहीं कह रहा इतने सजदे कीजिए, घबरा रहे आप हजरात, नहीं ये तकाजा नहीं है। अगर कोई इतने सजदे कर भी ले तब भी कोई सगीद सजाद नहीं बन सकता। सुभान अल्लाह। बहुत से लोग समझते हैं कि भी मैं अगर हजारा का मैं भी पढ़ने लगूंगा और सारी वो इबादत करने लगूंगा कि जनाब अमीर कर रहे थे मौला के कदमों की खाक भी नहीं बन सकती। कह गया बेशक मैं कहता हूँ कोई भी हजार जुमला कहूंगा कोई भी इंसान मैं कहता हूँ जितनी भी बात आवरण तो कर नहीं सकता जनाब अमीर, और अगर कर भी ले तब भी मौला के कदमों की खाक भी नहीं बन सकता। जितनी मर्जी इबादत कर लीजिए अली अली मैं जुमला कह गया हूँ। तो जाने के नामी ये किसी पे तंज नहीं है, मैं अकीदा तशय्यो पेश कर रहा हूँ। ये अल्लाह की तरफ से ऐसे ही बनाया गया, जो अल्लाह ने जैसा चौदह को बनाया है वैसा कोई नहीं बन सकता। ऐजाने गिरामी जब जनाब ज़ैनब कुबरा और जनाब अब्बास 14 के बाद उनसे अफजल नहीं है, उम्मत का किसी का ऐसा रुतबा है? जब वो हस्ती जनाब सैयद और जनाब हुसैन नहीं बन सकते, जुमला कह गया, तो और किसी की क्या मजाल है? सब के सब हस्तियां कुर्बान है जनाब ज़ैनब के कदमों की खाक, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का रुतबा कुछ और। अब मैं तफसील का वक्त नहीं, मैंने क्योंकि जुमला कहा था उसकी वजाहत में जुमला कह दिया, बहरहाल बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा आगे वादी हमने तो जो को पढ़िए वहाँ पे तफसील से लिखा। एक जुमला पेश कर रहा हूँ, सैयद सज्जाद के तूलानी सजदे, सजदे में है कहाँ? घर में। अचानक एक मरतबा आपने वाक्य सुन रखा, मुझे एक इशारा करना है और नतीजा देना क्योंकि मेरे मौजू से मुताल्लिक है। एक आवाज़ बुलंद होती है कि इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक कि वो कुएं में गिर गए, बस ये आवाज़ बुलंद होना थी कि इमाम बाकर इस्लाम की जो वालिदा है वो है फातिमा बिनते हसन, इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम की दुख्तर, नाम है फातिमा।
अहले बैत के खानदान में नाम फातिमा बहुत आम है। आइमा अलैहि सलाम ने ताकीद की है कि कुछ नाम रखे जाए और सिवाय खानदान अहले बैत के आपको कुछ नाम कहीं मिलेंगे ही नहीं पहले 150 साल में। अब जनाब अमीर के नाम पे, इमाम हसन हुसैन के नाम पे किसी ने नाम ही नहीं रखा 100 साल 150 साल। सोच सकते हैं आप, खानदान अहले बैत को छोड़ दीजिए, उनके बाहर बात करो। तो इधर ग्रामी अब नाम फातिमा बहुत आम है अहले बैत अलैहि सलाम ने बहुत ताकीद की है। जुमला यहाँ पे कह जाऊँ कि किसी ने छठे इमाम से कहा मौला मेरे घर में बेटी पैदा हुई, मौला ने मुस्करा के कहा तुझे मुबारक हो, तो नाम क्या रखा? उसने कहा मैंने नाम फातिमा रखा। जैसे मौला ने नाम फातिमा सुना ना तो रोने लगे। मौला मैं तो समझ रहा था आप खुश होंगे, कहने ये खुशी के आंसू। ताकि मौला आप क्यों रो रहे हैं? क्या मुझे मेरी दादी याद आ गई, मेरी जद्दा जनाब सगीदा मुझे याद आ गई। फिर मौला ने जुमला कहा अब जब तूने नाम फातिमा रख दिया है ना कभी उसे गाली मत देना। जुमला सुनने का मौला, अब जब तूने नाम अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा अब उसे गाली मत देना। दूसरी बात, जब भी तू सफर पे जाना ना तो बच्चों के लिए जब तोहफा लेके आना सबसे पहले उस बेटी को तोहफा देना जिसका नाम फातिमा, और अगर पैसे ना ना तोहफा लाने के तो फिर एक तोहफा जरूर लाना और उस बेटी को देना जिसका नाम फातिमा। का मतलब दूसरे बच्चे सोचेंगे भाई हमें तोहफा नहीं मिला, का सब बच्चों से कहना इसे इसलिए तोहफा दिया क्योंकि नाम फातिमा। अगर मैं जुमला पहुंचा पाया हूं हमारा बेटा कुएं में गिर गया तो फौरन उस हुजरे में आए, हिजाब माने था, हिजाब मानने था कि बाहर निकल के देखा कुएं के चारों तरफ मर्द जमा हो गए, तो फौरन उस हुजरे में आए जहां चौथे इमाम सजदे में थे, और आने के बाद कहा मेरे सरताज हमारा बेटा कुएं में गिर गया लेकिन चौथे इमाम सजदे को तुलानी करते चले जा रहे हैं। तवज्जो हो, सजदा तुलानी तर होता चला जा रहा है। तो हक तुलानी सजदे के बाद सजदे से उठे, मुझे नहीं मालूम आधा घंटा एक घंटा बाद जब उठे तो देखा जौजा की आंखों में आंसू है। पूछा कनीज़े खुदा क्या बात है, क्या इतनी देर से मैं पुकार रही हूं? अब देखिए इमाम के खिताब का अंदाज क्या है, कनीज खुदा आप इतना गिरिया क्यों करेंगे? हमारा बच्चा कुएं के अंदर गिर गया, कुएं में गिर गया, आपने इतनी देर से मैं आवाज नहीं सुना। नहीं अजान गिरामी में अपने अल्फाज में पेश करूं, पैगंबर ने फरमाया अस्सलातुम मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज की मेराज सजदा है, सजदे की मेराज सैयदुस साजदीन का सजदा। मेराज यहां नहीं होती, वहां होती है। इमाम यहां छे ही नहीं कि सुनते, पता नहीं लोग हैं मेराज पे थे, इसलिए जैसे ही उठे अभी कोई ना कहे कि इतनी देर से आवाज आ रही थी सुना नहीं, इमाम वहां उस राबते में एक मरतबा कहा कर लीजिए खुदा क्या बात है कि हमारा बच्चा कुएं में गिर गया, आंसू साफ कर लीजिए मैं अभी हमारे बेटे को लेके आता हूँ। जैसे इमाम ने कहा ना मैं भी बेटे को लेके आता हूँ, तो जनाब फातिमा बिनत असद ने आंसू साफ कर लिया। अब यकीन छा बेटा सही सालम है, क्योंकि इमाम ने जमानत दी है। मैं भी अपने बच्चे को लेके आता हूँ, आप आंसू साफ कर लीजिए। भाई ये आम बीवी नहीं है, मुझे नहीं मालूम कितने लोग पहुंचेंगे, ये आम बीवी नहीं है, ये है इमाम की बेटी, इमाम की पोती, इमाम की भतीजी, इमाम की सौजा, इमाम की माँ, इमाम की दादी। वो चारों तरफ से इमामत में घिरे हुए, ये आम बीवी नहीं है। एक मरतबा इमाम चले, अब मैं अपने अंदाज से पेश करना चाहूंगा इमाम कैसे चले होंगे। मुअर्रखीन से जुमला लिखते हैं कि इमाम चले अपने घर से मदीने के कुएं की जानिब। मैं कहता हूं कि इमाम कैसे चले होंगे, इमाम ने एक मरतबा विलायत की कबाली होगी, इस्मत की अबाली होगी, इमामत का ताज रखा होगा, तवल्ला की तस्बीह ली, तबर्रा का डंडा लिया, नालेन खेमे तंग किए, आसमान सर पे साया करने लगा, जमीन कदमों के बोसे देने लगी, हवाओं से लब्बैक की सदाएं आने लगी।
जब इमाम वक्त चले तो चारों तरफ से मजमा छपने लगा, इमाम को रास्ता देने लगा, हट जाओ सैयद सज्जाद आ रहा हूँ। खुदा की कसम इमाम के आने पे ऐसा ही होता था, सारा मजमा छटने लगा था, अपनों का भी बेगानों का भी। मुझे नहीं पता इमाम में कशिश थी या कुएं में कशिश थी, कुएं में भी इमाम है। दो कशिशें जब चलने लगती है ना भाई, यहां पे जोश मिली आबादी ने कहा था कि जब निस नूर मिला निस नूर से, जब जनाबे अमीर सरवर कायनात से मिले ना भाई, पैगंबर ने कहा था आना व अलीयु मिन नूरिन वाहिद, अल्लाह ने एक नूर के दो टुकड़े किए, एक को मकाम में महमूद में रखा नाम मोहम्मद रखा, दूसरे को मकाम में आला पे रखा नाम अली रखा। नूर मिला निस नूर से, अपने को किरदगार ने देखा नूर से। सारा मजमा हटने लगा, मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूं, रोजे में जितनी ताकत लगा सकता हूं उससे ज्यादा लगा रहा। इमाम आगे बढ़े, सारा मजमा हटा, इमाम आगे बढ़ने के बाद कुएं के अंदर देखने लगे, सारा मजमा इतनी देर से आया बच्चा वैसे ही मर चुका होगा। अब सारे मजमे में कुछ लोग हर तरह की बातें हो रही थी, इमाम ने हाथ बढ़ा के कहा पानी मेरी अमानत लौटा दे। सारे मदीने ने देखा कुएं का पानी उभरने लगा, जब कुएं का पानी उभरा ना तो सबने देखा इमाम बाकिर पानी के अंदर नहीं पानी के ऊपर बैठे थे। अभी नहीं, सारे मदीने की तवज्जो, चौथे इमाम ने बाहें बढ़ाई कि मेरा लाल मेरे आगोश में आ जाइए, जैसे ही बाजू बढ़ाए इमाम बाकिर आए, जैसे गोद में लेकर चलने लगे ना, एक ने हिम्मत करके सवाल किया कि सैयद सज्जाद बेटे के गिरने में परेशानी नहीं थी? मौलाना ने कहा नहीं कोई परेशानी नहीं थी। कहा ये तो आपके चेहरा भी बता रहा है आप परेशान नहीं थे, पूछ सकता हूँ क्यों परेशान नहीं थे? हमारा बच्चा कुएं में गिरा होगा तो हम वैसे परेशानी में मर जाते, आप परेशान क्यों नहीं थे? इमाम ने कहा मैं उसके सजदे में था, मैंने समझो जब मैंने उसके सजदे में खयानत नहीं की। खयानत नहीं की तो वो मेरी अमानत में कैसे खयानत कर सकता है? मेरा बच्चा उसके पास मेरी अमानत। अरे जाने के रामी, हम आले मोहम्मद के मानने वाले, आले मोहम्मद के मानने वाले, इस बात पे फख्र करते रहिए परवरदिगारा तूने हमें उनका मानने वाला बनाया। जाने के रामी, जो शरायत होंगी उन शरायत को भी पूरा कीजिएगा। फाते के साथ साथ तो जानी सजदा, एक जुमला कहूंगा ये है सैयदुस्साजदीन। पूरी दुनिया के जरा निजाम उठा के देख लीजिए, इस वक्त सियासत नहीं बोल रहा हूं, और से सुनिएगा, पूरी दुनिया के निजाम उठाए, हर जगह एक ही बात चल रही, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुल्क में खाना जंगी है, खजाने खाली हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं? और अगर किसी ने असरे आशूर में इमामत संभाली हो, दुनिया के हुक्म यही कह रहे हैं भाई, बहुत से बरादरान अभी तक आ रहे हैं,
सुनेंगे, कोई भी मसाह के जुमलों को जाया ना होने देंगे। सबकी तवज्जो है, अखलाकी सेहत और सलामती के लिए और पूरे उम्र के लिए बावाज़े बुलंद सलाम। मौला फरमा रहे हैं, देखिए आज सारे हुक्मरान कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, मुल्क के हालात खराब हैं, खजाने खाली, और अगर किसी ने असरे आशूर में इमामत को संभाला हो, हालात कितने खराब हैं, बाप का लाशा सबकी रेत पे पड़ा, खजाने खाली, खजाने खाली नहीं, इमाम कैद, गले में तौक है, हाथों में जंजीरें हैं, पांव में बेड़ियां, मुल्क के हालात कितने खराब हैं, अली और बतूल की बेटियां मजमाए आम नेज़ों से लोग चादरें उतार, मेरे भाई खैरतर भाइयों को मेरा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, अली और बतूल की बेटियां मजमाए आम, उस मजमाए आम में जानते नारे क्या लग रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं बागियों की बहने आए, अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, सब जुमला कहूं मुझे माफ कर दीजिएगा, सादात गैर सादात मैं जानता हूं, गैरतमंद कभी भी बीबियों का मसाया बर्दाश्त नहीं करता, चारों तरफ से पत्थर आ रहे हैं, और जब वो पत्थर मारते थे ना कूफी और शामी, तो बीबी पूछती थी क्यों पत्थर मार रहे हैं, एक ही जुमला कहते थे बोगन ने अभी आपके बाबा के जोश में, नहीं तो देखिएगा ये मेरे हाथ में एक रुमाल है, देख सकते हैं आप, अगर मैं आप में से किसी के चेहरे की तरफ ये रुमाल फेंकू तो आपका हाथ फौरन चेहरे पे आ जाएगा, जानते हैं क्यों, चेहरा बहुत नाजुक होता है, रुमाल है, रुमाल है, लेकिन फिर भी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, रुमाल मेरे चेहरे पे लगे, मेरी तरफ देखिएगा, सारा मैं मनहा जो के आखिर जुमने पा, अब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मैं तो बड़ा मसाल पढ़ने वाला था, मैं रुमाल भी फेंकू ना तो हाथ चेहरे पे आएगा, अगर किसी के हाथ पुछने का दिल बने रोजादारों को मैं इतना नहीं रुलाना चाहता, अरे आप सब रोजे से, भूखे प्यासों को रुलाया नहीं जाता, मैं जुमला कह गया हूं, भूखे प्यासों को रुलाया नहीं जाता, ना जाने वो करबला में आने वाले कैसे थे, अलिया बतूल की छोटी छोटी पोतियों को फिर भी बुलाया, मुझे माफ करने में जुमला कहूंगा, सुन के मेरा आपसे वादा है, घर जाके भी सोचेंगे ना तो रोएंगे जरूर, दो जुमला सुन लीजिएगा, अगर सुन सके आंसू अगर दो मिनट के लिए रुक जाइए, सुनेंगे, जब जनाबे सैयद सज्जाद धुप्पियों को लेकर मदीने पहुंचे तो मौला सज्जाद ने कहा बशीर पहले मस्जिद नबवी में ऐलान कर दो, ऐसा न हो कोई हमें इस हालत में देख के मर जाए,
जनाबे जैनब ने कहा सैयद सज्जाद मैं पहले नाना के रोजे पे रहा, अगर सुन सके नहीं तो आंखें बंद करके तसव्वुर की जगह जो देख सके देखेंगे तो आंखें बंद करके तसव्वुर। अब पहुंची जनाबे जैनब मौला सज्जाद के साथ नाना के रोजे पे। बशीर ने ऐलान कर दिया था मौला हुसैन का काफिला वापस आ रहा, सारे मदीने वाले मस्जिद नबवी के दर पे जमा हो। जब जनाबे जैनब पहुंची तो तारीख के अल्फाज है बीबी अंदर नहीं गई, रोजा रसूल पे अंदर नहीं गई, दोनों हाथ दरवाजे पे रखे और बुलंद आवाज से रोके का या जब हुसैन नाना में आपके नवासे हुसैन की सुनानी लाई हो, नाना में 70 कदम के फासले पे थी, महरमों का मजमा ना हो देखे तो नहीं है, आपने सिर्फ सुना है, आपने सिर्फ सुना है कि जनाबे जैनब बाजार गए, मौला सज्जाद ने देखा था। अब समझ में आया मौला की दाढ़ी क्यों सफेद हो गई थी, मौला के बाल सफेद क्यों हो गए थे, फिर क्यों पूरी जिंदगी रोते रहे थे, फिर पूरी जिंदगी रोते रहे। और जब किसी ने पूछा मौला कब तक रोइएगा, कब तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, जब पूछा ना मिनहाल ने चौथे इमाम से मौला कब तक रोइएगा, मिनहाल तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, मिनहाल नबी याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, सिर्फ एक यूसुफ आंखों से दूर हुआ था, जनाबे याकूब ने रो रो के आंखें गवा दी थी, मेरे एक दिन में 18 यूसुफ मारे, बस दो मिनट है मेरे पास इसी में तमाम कर दूंगा, मिनहाल मेरे एक दिन में 18 यूसुफ मारेगा। तो मिनहाल ने कहा लेकिन मौला शहादत तो आपकी मीरास है, मौला ने रो के कहा मिनहाल सही कहते हो, शहादत हमारी मीरास है, लेकिन मिनहाल पहनों के साथ खुपियों के साथ ऊपा और शाम के बाजारों में जाना ये हमारी मीरास नहीं है। मिनहाल में शाम में बुला सकता, हर आंख में आंसू है,
जब आंख में आंसू होता है दुआ कबूल आए, जरा हाथ उठा के दुआ मांगे। परवरदिगारा साहिब जमान के जहूर में ताजीम था, दुश्मनान अहलबैत को नीस तो नाबूद, दाइश तालिबान को गारत फरमा, मुमिनीन की हिफाजत फरमा। इस मस्जिद में मांगा की जहां जहां मुगल बसे कुवैत में हर जगह परवरदिगारा सबकी हिफाजत फरमा, परवरदिगारा हमारे मकामात मुकद्दसा की हिफाजत, इराक व शाम के रोजों की हिफाजत फरमा, हमारे जितने भी जवान आइमा के हरम के हरम की हिफाजत करके वो शहीद हुए, हमारे उन तमाम शहदा को शहदा करबला के साथ महशूर था। परवरदिगार हम सब की आकबत बखैर था। परवरदिगारा परवरदिगारा हमारी गुनहगार आंखों को इमाम जमाना की ज्यारत नसीब फरमा। परवरदिगारा हज ज्यारात की तमन्ना रखने वालों को हज ज्यारात नसीब फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेक सालेह फरमा। परवरदिगारा जो वालिदैन बच्चों की तरफ से परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। परवरदिगारा परवरदिगारा वास्ते में बहुत दे सकता हूँ, एक आखिरी वास्ता दूंगा। परवरदिगारा उस बीबी के पाँव का वास्ता जो पत्थरों पे चल चल के जख्मी हो गए थे, कोई फूल भी ना मारता जनाबे जन्नत को, लोगों ने पत्थर भी मारे, अरे अली की बेटियों को। परवरदिगारा की अजमतों का वास्ता, जनाबे ज़ैनब की चादर का वास्ता, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा।